क्या गोलमाल करने अभी ये जब आपको आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, बहुत ही फनी और बहुत ही हिलेरियस कैरेक्टर है, तुषार के ऑपोजिट है, तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि वो अभी भी डेफ और डम प्ले कर रहे हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन कैसा रहेगा, कि कोई जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता तो उनके साथ जो इंटरेक्शन होगा वो कितना फनी हो सकता है, दैट्स व्हाट इट इज़। सॉरी देखिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लोगों को ऑब्वियसली बहुत हाई हैं गोलमाल से, बिकॉज पार्ट वन बहुत ही सुपर हिट रह चुकी है। चेंज ये था कि उसमें अब कैरेक्टर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, चार लड़कियां हैं, चार लड़के हैं। चैलेंजिंग था ये नहीं कहूँगी, बहुत फन, बिल्कुल पिकनिक जैसा था, बिकॉज इट वॉज ऑल फन, कोई हाई इमोशनल ड्रामा नहीं है फिल्म में, तो सब कुछ जो भी हुआ वो बहुत फनी और ईजी वे में हुआ। गोलमाल के बारे में आई थिंक जो सबसे एक्साइटिंग मेरे लिए है वो गाने हैं फिल्म के, वो जो जिस तरीके से रोहित ने शूट किए हैं गाने, और जिस तरीके से कोरियोग्राफी है, और जिस तरीके का कॉन्सेप्ट है हर एक सॉन्ग का, आई थिंक दैट्स वेरी एक्साइटिंग इन गोलमाल। बहुत अच्छी रही, करीना इज़ अ लवली गर्ल, शी इज़ फैबुलस एज अ पर्सन, बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, ज़रा सा भी एटीट्यूड नहीं था उनमें, शी ट्रीटेड मी एज एनीबडी एल्स, जो न्यू कमर को भी आप ट्रीट करोगे, शी वॉज वेरी वेरी स्वीट। आई थिंक ऑफकोर्स इट्स करीना कपूर, तो शी इज़ फैबुलस इन द फिल्म, ऑफकोर्स उनका जो चंक ऑफ रोल है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बहुत सब्सटैंशियल है और उससे, एंड आई थिंक शी डिजर्व्स दैट पोजिशन वेयर शी इज इन, सो देयर इज नो ओवर शैडोइंग। ऑनेस्टली डिफरेंस सिर्फ ये हुआ कि इसमें डबल मस्ती है, डबल मज़ा है, डबल स्टार कास्ट है, जो चार थे अब आठ हो गए हैं। उसके अलावा आप सिर्फ हंस के और खुश हो के और मस्ती मजाक करके जाएंगे यहाँ से। आई थिंक एक तो सुपर हिट फिल्म का पार्ट होना ही, जो सीक्वल बने उसमें ही एक बहुत बड़ी बात है, तो रोल कम ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप एक इतने छोटे से रोल में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते हैं अपने तरीके से उस फिल्म के लिए, आई थिंक इट नथिंग लाइक इट। पहले गोलमाल से बेटर इसलिए मानती हूँ क्योंकि अब इसमें लड़कियाँ भी हैं, तो इसीलिए लड़कियों की वजह से आपको पता है हमेशा पंगे ज़्यादा होते हैं लड़कों में, एंड इसीलिए आई थिंक इट बी मोर फन। मैं अभी अभी बहुत एडवेंचर करके आई हूँ खतरों के खिलाड़ी में, सो आई थिंक मुझे बंजी जंपिंग आई थिंक वुड बी राइट नाउ एट दिस मोमेंट वुड बी अ वेरी एक्साइटिंग एडवेंचर फॉर मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।